तो दोस्तों अगर इंडिया में ब्लॉग करना है, पब्लिकली ब्लॉग करना है, ऐसे चलते चलते ब्लॉग करना है, ऐसे दौड़ते दौड़ते ब्लॉग करना है, दूसरा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाता है जब पब्लिक के साथ आप देखो ऐसे ही लोग आपको साइड से छेड़ेगा। दोस्तों आपको ब्लॉग करना है, व्लॉगिंग फिर भी इंडिया में, और ऐसे ही रास्ते में खड़े होकर सभी लोगों के सामने ऐसे सब कुछ एक खुले आसमान में क्राउड के सामने अगर व्लॉग करना है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है शायद आपको। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं घर में बैठकर, बट जब बाहर जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। क्या क्या याद करके आया था घर से, आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग। और रास्ते में जो क्राउड है, जो लोग है, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के आपको देखता है तो देखने से क्या हो जाता है, और भी कंफ्यूजन बढ़ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस पूरा नीचे आ जाता है। तो दोस्तों अगर इंडिया में ब्लॉग करना है, पब्लिकली ब्लॉग करना है, ऐसे चलते चलते ब्लॉग करना है, ऐसे दौड़ते दौड़ते ब्लॉग करना है, तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा जस्ट सच 5 यूनिक टिप्स जो मैंने सीखा, मेरा एक साल व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो, मोर देन 150 एपिसोड मैंने बना चुका हूँ। तो भाई का तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है अबाउट द व्लॉगिंग इन इंडिया। तो कैसे आप इंडिया में व्लॉग कर सकते हो ऐसे खुले आसमान के नीचे, एक 5 यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, जो सिंपल टिप्स एंड टेक्निक्स दुनिया का, इंडिया का बेस्ट जो ब्लॉगर है लाइक मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बेस्ड वरुण वगीश, ये सब फॉलो करता है। सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू टेल यू 5 यूनिक टेक्निक ऑफ व्लॉगिंग। सो ये टिप्स जानकर सुनकर आपका ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़ जाएगा, 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना है, पूरा फील करना है, महसूस करना है। अगर सीख जाते हो ये 5 टिप्स तो आप भी बन सकते हो एक बहुत ही अच्छा ब्लॉगर। कैसे एक स्टोरी को डिफाइन कर सकते हो, कैसे एक स्टोरी को आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, कैसे आप शेयर कर सकते हो, ये पूरा ट्रिक्स और टिप्स आज मैं आपको सिखाऊंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट, मैं विशाल। और जब पब्लिक में ब्लॉगिंग कर रहे हो तो दूसरा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाता है जब पब्लिक के साथ आप इंटरेक्ट, देखो ऐसे ही लोग आपको साइड से छेड़ेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको कंसंट्रेशन ब्रेक करने के लिए, पर उस टाइम ही आपका ब्लॉगिंग का जो चस्का है, आपका ब्लॉगिंग का जो नशा है पता चल जाता है। सबको इसको बाहर में जाने दो, फोकस करो ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, फोकस करो विथ योर ऑडियंस। सो दोस्तों ये साइट पे जो उल्टा पुल्टा लोग बोलते हैं इसको आपको ध्यान नहीं देना है, लोग कॉमेंट्स करेंगे। एक्चुअली दे आर माई फ्रेंड्स, उन लोगों के साथ भी थोड़ा सा इंटरेक्शन आप लोगों को करवा देता हूँ। दिस इज मिस्टर अमित जी, ओके, दिस इज मून एंड दिस इज द फ्रेंड ऑफ मून ओवर हियर। ये लोग दोस्त है, थोड़ा सा पहले से सिखा दिया था, बट एग्जैक्टली रियलिटी में ऐसे ही प्रॉब्लम आप लोगों को फेस होता है जब आप कैमरा लेके बात करोगे ऑन द वे, लोग आपको तो छेड़ेगा ही, आपको साइड टॉक करेगा ही। सो आपको उस टाइम में फोकस करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कॉन्फिडेंटली बात करते रहना है टू गेट द अटेंशन एंड लॉट्स ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। तो यूजुअली हर बिगिनर का प्रॉब्लम होता है, वो लोग LCD में ऐसे ताक झाक करके देखते देखते बात करते हैं। LCD में देखते देखते बात करने में कोई बुराई नहीं है, एक अच्छा है, आगे पीछे क्या हो रहा है, क्या ताम झाम हो रहा है, ये हम लोग को पता चल जाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ पर होता है गाइस, प्रॉब्लम होता है जो लोग उधर पे, मतलब आप लोग जो देख रहे हो, यस माय फ्रेंड्स, अगर LCD में अगर देख रहे हो जो आपके जो व्यूअर्स विल फील दैट यू आर नॉट कनेक्टेड विद हिम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट द लेंस ऑफ द कैमरा, डोंट लुक एट द LCD ऑफ द कैमरा। तो अगर पहले अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हो, अगर देखना चाहते हो आसपास क्या हो रहे हो, तो इजी सॉल्यूशन है दोस्तों, इजी सॉल्यूशन है, दैट इज पुट ऑन द सनग्लास मैन। तो सनग्लास पहन लो, अभी मैं अगर LCD में देखकर भी बात कर रहा हूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। सो गाइस दिस इज द ट्रिक्स जो हर ब्लॉगर, फेमस ब्लॉगर लाइक मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बेस्ट, हर बंदा यूज करते हैं। वो लोग ऐसे चश्मा पहन लेते हैं, LCD की तरफ देखते हैं, एंड आई हैव ऑल्सो ह्यूज कलेक्शन ऑफ सनग्लासेस, आई यूज माई सनग्लासेस टू जस्ट लाइक गेट रिड ऑफ फ्रॉम द प्रॉब्लम। बट आहिस्ते धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका प्रॉब्लम दूर होता जाएगा, तब LCD की तरफ आपका आँख नहीं जाएगा, यू कैन लुक एट द लेंस ऑफ द कैमरा एंड यू कैन मेक द व्लॉग वेरी कॉन्फिडेंटली। तो दोस्तों ब्लॉगिंग का नेक्स्ट टिप्स है एम्बियंस। एम्बियंस किसे बोला जाता है, मीन्स आपका आस पास का
एनवायरमेंट। देखो अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, आई एम ऑन द मेन रोड, तो यहाँ पर मेरा जो वॉइस लेवल, मेरा जो एक्सप्रेशन वो बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बिकॉज आप रोड में खड़े हो तो यहाँ पर एनर्जेटिक तो चिल्ला चिल्ला के बात करना तो बनता है। बट जब मेरा एम्बियंस, ये जो एनवायरमेंट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अभी मैं इनसाइड जाना हूँ CCD का, तो अभी मैं जब अंदर आ चुका हूँ आप देख सकते हो एम्बियंस बिल्कुल बदल, यस यस कॉफी इज गुड, एम्बियंस बिल्कुल ब्लैक या मिल्क, मिल्क इज गुड, ओके। तो एम्बियंस यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया है, यहाँ पर अगर मैं ऐसे फाड़ फाड़ के चिल्लाऊँ तो कैसा लगेगी, इट विल लुक सो ऑड, सो आई हैव टू कम डाउन माय वॉइस, यू कैन सी दैट लॉट ऑफ अदर पीपल आर सिटिंग ओवर हियर। तो इसको बोला जाता है दोस्तों एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब जहाँ जैसी देश वैसी फेस, आपको जहाँ पर हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको बात करना पड़ेगा। सो एम्बियंस इज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द ब्लॉगिंग ऑल्सो, तो ब्लॉगिंग के टाइम में आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा आप कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, कैसे बात कर रहे हो। यही मैंने जो दूसरा पॉइंट में मैं जो बोला था एनर्जी मीन, सब जगह पे ऐसे एनर्जी का मतलब चिल्ला कर बात नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ट्यून योर वॉइस। तब देखोगे एक फीलिंग्स आ जाता है ब्लॉगिंग के, एक बहुत फ्लेवर बदल जाता है, और जो देख रहे हैं और आसपास के जो लोग हैं दे विल ऑल्सो एंजॉय योर ब्लॉगिंग स्टाइल मैन। दोस्तों ब्लॉगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, दैट इज द इमोशन, आप जो भी कर रहे हो जो भी बोल रहे हो उसके साथ इमोशन के कनेक्शन होना चाहिए। अभी देख सकते हम सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ कर हम लोग खा रहे हैं, तो यहाँ पर है कॉफी और यहाँ पर है स्नैक्स, तो अगर स्नैक्स को खा रहे हो उसको फील करो कैसे, ऐसे ऐसे फीलिंग होना चाहिए। अगर आप फील करके नहीं बोलोगे तो क्या होगा, ये लोग देख रहे हैं मतलब फीलिंग होता है आपका, फील करके नहीं बोलोगे तो ऑडियंस आपके साथ कनेक्शन नहीं कर पाएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ कॉफी, लस्सी जी का ये जो कॉफी है ये तो बहुत ही फेमस है इन द इंडिया। सो ये बोलने का मेन जो मतलब है, दैट इज आप जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, एक्टिविटीज दिखा रहे हो, एज इट इज उसको फील करके बोलो, देयर इज नथिंग टू बी आर्टिफिशियल। अगर जब आर्टिफिशियल की बात कर रहे हो समथिंग मेकी, ऑडियंस को देख कर पता चल जाएगा ये बंदा तो आर्टिफिशियल है, नेचुरलिटीज का मिसिंग है। तो जो भी करना है फील करके बोलना है, तो ये चॉकलेट खा रहे हैं तो चॉकलेट को भी ऐसे एक चॉकलेटी फीलिंग्स देके बोलना चाहिए। स्पाइस मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, राइट? यस आई एम राइट। ये वाला चीज आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, बिकॉज इफ यू वांट टू बी अ गुड ब्लॉगर, सो द थिंग दैट आपको खुद का पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल स्किल, मतलब आपका एनर्जी लेवल बहुत आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर जो सेलिब्रिटी ब्लॉगर है लाइक मुंबई के निखिल, फ्लाइंग बीस्ट, माउंटेन ट्रिकर वरुण भाई, ये लोग बहुत ही फेमस है, उन लोगों का एक बहुत तगड़ा सा फैन फॉलोअर्स है। बट आपका प्रॉब्लम क्या, आप अगर न्यू बिगिनर ब्लॉगर हो, आपका तो ऐसा फैन फॉलोअर नहीं है, तो आपका पर्सनैलिटी है आपको जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप बहुत ही मोनोटोनस टोन में धीरे धीरे स्लो स्लो बात करोगे तो कोई आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला कर बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, एनर्जी शो करो, तो इससे क्या हो जाता है एक बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो लोग देख रहे हैं उन लोग को मज़ा आता है, बिकॉज ब्लॉग कौन देखते हैं, बेसिकली यूथ, यंग जनरेशन, दे आर द बेसिकली द व्यूअर्स ऑफ द ब्लॉग्स। तो यंग जनरेशन वो लोग ब्लॉग देखते हैं, और ब्लॉग देखने के लिए एनर्जेटिक ब्लॉग वो लोग लाइक करते हैं, तो अगर आप ऐसे ही एनर्जेटिक ब्लॉग नहीं बना सकते तो आपका ब्लॉग गाइस कोई नहीं देखेगा। ऐसे रस्ते में रुक कर इन द क्राउड इन द पब्लिक यू हैव टू शाउट, यू हैव टू मेक सम सेंस, तो इससे क्या हो जाता है आपका रिटेंशन, टाइम रिटेंशन, एनर्जी लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। सो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हो सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, फियर को, डर को दूर करो, एनर्जी लेवल को बढ़ाओ, ऐसे पब्लिक में रुको, पब्लिक के अंदर जाओ और टॉक टू देम विथ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों ये था ऑलमोस्ट 5 टिप्स अबाउट द ब्लॉगिंग, अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आपको ये 5 टिप्स फॉलो करना पड़ेगा टू बी अ सक्सेसफुल ब्लॉगर। या ब्लॉगिंग यहाँ पर सिर्फ दोस्तों एक सिर्फ कुछ बात करना नहीं, ब्लॉगिंग का मतलब होता है एक स्टोरी बोलना, तो कैसे आप स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हो यही ऑडियंस आपको देखना चाहता है। दिस इज ऑल एक्सपीरियंस दैट आई हैव टोल्ड यू विद इन फ्यू मिनट्स। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो जरा सा हिट कीजिए लाइक,
कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड.